हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम पे। तो दोस्तों अभी अभी ये कि अभी अभी चयन आयोग ने फैसला लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें आपके लिए, बहुत बुरी खबर है ये कि देखो टीजीटी पीजीटी छात्रों पे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मतलब कि लाखों पास छात्र भी जब बाहर हो रहे हैं। तो भाई लेटेस्ट अपडेट है भाई, पूरा वीडियो ध्यान से समझना, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करते हैं अब आपका। ठीक है चलो भाई, तो ये कि मैं टीजीटी पीजीटी छात्रों पे बड़ी खबर लेके आया, यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाते चलूँगा, ठीक है? और ये कि चयन आयोग ने अभी भी फैसला लिया है, लाखों पास छात्र भी बाहर हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ प्रूफ दिखा दूँ। देखो भाई पूरा वीडियो ध्यान देना, क्योंकि अभी आपने ये वाले वीडियो देखे भी होंगे कहीं यूट्यूब में, तो आधा खबर देखी होगी, यहाँ पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। किनको किनको फ़ायदा मिलेगा, जो नए नए छात्र हैं उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, मेरिट कम क्यों जाएगी, तुरंत बाद 3 मिनट का 4 मिनट का वीडियो बनेगा, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब लाखों पास छात्र में क्या आप भी बाहर होंगे कि नहीं, ये आपको लेटेस्ट अपडेट अभी अभी के 2-3 मिनट पहले आई, चयन आयोग ने फैसला लिया है, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता हूँ। देखो भाई सबसे पहली बात बता दें, अगर कोई अपने ही ज़िले में कोई सरकारी कर्मचारी पर नियुक्त है, ठीक है, अच्छा खासा वेतन मिल रहा है, ठीक है, तब अगर किसी ने इस बार का जो टीजीटी मतलब टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है, ठीक है, और जिसमें एनओसी नहीं लगाया है, मतलब होता है एनओसी मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनावृत्ति प्रमाण पत्र नहीं अगर भरा है आवेदन करते टाइम टीजीटी पीजीटी में, तो उसको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे उसके चाहे जितने अच्छे मार्क्स आए हों। अब इसके कम इसका रीज़न मेरिट कम क्यों जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड इंसान जब जो देखो सेलेक्टेड है सरकारी कर्मचारी पे, फिर वो टीजीटी पीजीटी फॉर्म देता है, तो इसका मार्क्स मतलब इस बार तो ज़्यादा आते हैं ना, जो सेलेक्टेड है मतलब होशियार है तो मार्क्स इस बार ज़्यादा आते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया बाहर कर दिया जाएगा बिल्कुल है, तो इस बार मार्क्स आपके इस बार कम जाएंगे। और दूसरी बात, पूरा वीडियो ध्यान देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट बात बताएंगे वीडियो में, ठीक है? और दूसरी बात ये भी बता दें, अगर जो टीजीटी पीजीटी में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अच्छा खासा वेतन मिल रहा है समान वेतन पे, फिर भी उसने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है, ठीक है, और एनओसी फॉर्म नहीं भरा, पूरा वीडियो ध्यान समझना तभी पता चलेगा कि आप बाहर हैं कि नहीं बाहर है, ठीक है? एनओसी फॉर्म नहीं अगर आपने भरा है, ठीक है, तो ये क्या टीजीटी पीजीटी की चयन प्रक्रिया से तो आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, चयन आयोग ने ये फैसला। हालांकि चयन आयोग ने पहले ही बता दिया था कि एनओसी फॉर्म जरूर भर लेना अगर ये सब झंझट में हो तो, अगर ठीक ऑलरेडी सिलेक्टेड हो एनओसी फॉर्म जरूर भरना, अनावृत्ति प्रमाण पत्र अगर नहीं भरा तो आप लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरी बात ये बता दें, हाँ ऑलरेडी अगर सिलेक्टेड इंसान टीजीटी पीजीटी में सिलेक्टेड है, हालांकि वो सियार है, तभी अगला जब टीजीटी पीजीटी के इस बार आवेदन दिया तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन उनकी चयन प्रक्रिया बाहर कर दिया जाएगा तो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, तो इसलिए आपकी इस बार की कटाव बहुत ही कम जाए, क्योंकि उनके अधिक मार्क्स आएंगे, अधिक मार्क्स को कम नहीं लिया जाएगा, तो भाई कम कम मार्क्स इस बार हो जाएंगे सबके, तो मेरिट आपकी इस बार बहुत ही कम जाएगी। ये कि देखो बहुत कम वाली बात नहीं, पहले जैसी थी उससे थोड़ी कम ज़्यादा जा सकती, ज़्यादा जाए ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है, पहले से कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ ना। अब ये कि फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, नहीं देखा टीजीटी छात्रों वाले पीजीटी के लिए अलग अलग, तो नहीं देखा तो उसको जाके चेक कर लेना, एनओसी के लिए फुल डिटेल बताया क्या होता है एनओसी सबके बारे में, तो वीडियो में जाके देख लेना, और इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको, ठीक है। तो आप ये कि देखो यही अपडेट आपको देनी थी, अगर ये कि एनओसी नहीं फॉर्म भरा तो लाखों पास छात्र मतलब जो अच्छे खासे नंबर से पास होंगे वो भी बाहर हो जाएंगे, तो इस बार की जो नए नए छात्र हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, उनका पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात भाई, आपका पेपर अच्छा जाए और अच्छा गया हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोगों का मौका बहुत अच्छा, पहले से तो बेटर मौका ज़्यादा अच्छा मौका मिल गया, ठीक है। कट ऑफ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, वीडियो बना भी दिया, उसमें थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ फाइनल कट ऑफ थोड़ी मैंने हाई रखी, ठीक है, उससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं, कट ऑफ वाला वीडियो देख लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना।